हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने कुछ इंस्ट्रक्शन जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो कुछ कुछ हम समझ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिवन प्रॉब्लम में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं हमारे पास। मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक मेमोरी है जिसका मेमोरी का एड्रेस है D001। इस D01 में हमारे पास एक वैल्यू रखा हुआ है A1। हम चाहते हैं कि ये A1 वैल्यू हमारे किसी रजिस्टर में, मान लीजिए रजिस्टर सी में ये वैल्यू इसमें आ जाए, तो हम ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे कि ऐसा ये काम हो सके। तो हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो देखते हैं क्या कौन सा इंस्ट्रक्शन है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि एक मेमोरी डिनोट किया गया है इस प्रॉब्लम में और एक एड्रेस दिया गया है, एक वैल्यू दिया गया है जिसको एक रजिस्टर में डालना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा मेमोरी टू रजिस्टर वाला एक इंस्ट्रक्शन है, उसको यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा, तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है मूव, क्योंकि ये 8-bit का इंस्ट्रक्शन है। मूव लिखेंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन में हम लोग एक रजिस्टर यूज़ करेंगे, ये हमारा 8-bit का डेस्टिनेशन होगा, और अब एक मेमोरी जिस मेमोरी से हमको इसको भेजना है, तो ये सोर्स हो गया हमारा, तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब प्रीवियसली जैसे मैंने बताया था, अगर आप M इंस्ट्रक्शन वाला अगर कोई इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हमको ज़रूरी होता है कि HL आपका अपडेट होना चाहिए। अपडेट का मतलब आपका वो एड्रेस के साथ अपडेट होना चाहिए जिस मेमोरी लोकेशन से आपको उस डेटा को लेना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले HL पेयर को अपडेट करेंगे, या उसमें वो वैल्यू डालेंगे जिस एड्रेस से हमको उसका वैल्यू लेना है। तो हमारे पास उसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है, हमारे पास होता है LDX। इसका मतलब क्या है, सॉरी ये वाला नहीं, इसमें हम लोगों का क्या होगा कि लोड करेगा किसी रजिस्टर में, हमको लोड करना है अभी 16-bit के रजिस्टर को लोड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक और तरीका होता है, पहले एक काम कर लीजिए आप, मूव इस एड्रेस के अकॉर्डिंग कर लीजिए, तो मूव H,D0, फिर उसके बाद मूव करेंगे L,01। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक इंस्ट्रक्शन का मतलब हो जाएगा HL पेयर के अंदर आ चुका है अभी D001, ये वैल्यू अभी HL पेयर में आ चुका है। अब हमको करना क्या है, अब सीधा सिंपल सा हमारा इंस्ट्रक्शन होगा मूव वो रजिस्टर जिस रजिस्टर में हमको भेजना है। तो प्रॉब्लम में हमको बताया गया है कि सी रजिस्टर में हम लोग को वैल्यू को भेजना है, तो रजिस्टर C, अब यहाँ पर हम M लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मेमोरी लोकेशन का डेटा हमारा सी रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस आफ्टर इंस्ट्रक्शन सी के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A1। तो इस तरीके से हम एक प्रॉब्लम को लाइन बाय लाइन समझते हुए अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो हम इस तरीके से इसको लिख पाएंगे। ओके, आगे देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको किसी रजिस्टर में रखा हुआ डेटा किसी मेमोरी के अंदर डालना है। मान लीजिए एक रजिस्टर है B, उसके अंदर एक डेटा रखा हुआ है मान लीजिए F3। इस F3 डेटा को किसी मेमोरी लोकेशन में, मेमोरी लोकेशन मान लीजिए C004 एक मेमोरी लोकेशन है, उसके अंदर आपको भेजना है वो वैल्यू। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगेन ये मेमोरी बेस्ड हमारा एक इंस्ट्रक्शन है, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे हम कौन कौन से रजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के लिए हमको चाहिए होता है कि HL पेयर में वो एड्रेस आ सके। तो हम इस इंस्ट्रक्शन के लिए पूरे इंस्ट्रक्शन में हम कभी भी ये ध्यान देंगे कि HL पेयर को किसी जनरल पर्पस अनदर किसी इंस्ट्रक्शन में यूज़ ना करें, ताकि हमारा कोई भी वैल्यू एड्रेस के साथ मिसमैच ना हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इंस्ट्रक्शन को कैसे कैसे फॉलो करना है पहले देख लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम एक तरीका यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये अब क्या हो गया, हमारा रजिस्टर से किसी मेमोरी लोकेशन में भेजने वाला इंस्ट्रक्शन है। जस्ट लाइक यहाँ उल्टा किए थे हमने, एड्रेस से किसी रजिस्टर में भेजा था लास्ट टाइम के प्रॉब्लम में, अभी हम लोग कर रहे हैं कि एक रजिस्टर का डेटा को मेमोरी में भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मूव
पहले एच एल पी आर अपडेट कर लेते हैं। तो एच में हमारा आएगा सी जीरो एच, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, मूव, अब यहाँ पर एल कॉमा ज़ीरो फोर एच। आप यहाँ पर ध्यान देंगे हायर बिट हमारा हमेशा एच में जाएगा, लोअर बिट हमारा एल में जाएगा। इस तरीके से अगर इसको स्वैप कर देंगे तो आपका एड्रेस बदल जाएगा। अगर आप उल्टा लिख देते हैं इसके इंस्ट्रक्शन को तो उसका मतलब हो जाएगा 04C0, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। हमारे एच एल पेयर के अंदर आना चाहिए C004, ये हमारा सही इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरीके से हम इसको स्वैप नहीं करेंगे डेटा, इसको ध्यान देंगे। इसके हो जाने के बाद सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है मूव। हमारे पास अब की बार क्या कर रहे हैं, हमको मेमोरी में डेटा चाहिए, मेमोरी, और उसके बाद वो आएगा कहाँ से, हमारा सोर्स, सोर्स हमारा बी। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन लाइन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हम समझ सकते हैं कि हमारा मेमोरी में रखा हुआ डेटा, जो मेमोरी में C004 है, वो डेटा अब सॉरी ये डेटा में हमारा जो कि बी रजिस्टर में रखा हुआ डेटा F3 है, वो अपलोड हो चुका है किसी एक मेमोरी लोकेशन के थ्रू। तो इस तरीके से हमारे पास ये इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे किसी मेमोरी से डेटा और डेटा से मेमोरी कैसे भेजा जाता है या लाया जाता है। इसी तरीके से अगर आपको किसी वैल्यू को किसी भी एक प्रॉब्लम, मान लीजिए हमारे पास ये है, लिखते हैं कि मान लीजिए BC रजिस्टर पेयर और HL रजिस्टर पेयर के में हमारे पास दो डेटा है, जैसे कि मान लीजिए C041 और F0F3, इस तरीके से हमारे पास कोई डेटा है। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी लोअर बिट इसके लोअर बिट के साथ स्वैप हो जाए और इसका लोअर बिट इसके लोअर बिट के साथ स्वैप हो जाए। मीन्स आफ्टर इंस्ट्रक्शन हमारे पास आना चाहिए BC में हमारे पास आना चाहिए F0F3 और HL में आना चाहिए हमारा C041। इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉब्लम है। तो इसको सिंपली हम लाइन बाय लाइन हम इसका इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफ़र वाला इंस्ट्रक्शन से फॉलो किया जा सकता है। जैसे रजिस्टर टू रजिस्टर में हमारा क्या होता है, हम करेंगे ये, अब इसमें हम लोग को एक अनदर मूव करने के लिए हमारे पास रजिस्टर होना चाहिए जो कि ये चारों रजिस्टर के अकॉर्ड दूसरा कोई हो। जैसे कि मान लीजिए हम डी रजिस्टर यूज़ करेंगे, करेंगे ये हम, इसका तरीका ये होगा, यदि आपको एल की एल का वैल्यू सी में चाहिए, सी का वैल्यू एल में चाहिए, तो हमारे पास ये होगा कि हम एक डी रजिस्टर यूज़ करेंगे। मान एग्जांपल के लिए एल की वैल्यू हम डी में डालेंगे, सी की वैल्यू एल में डालेंगे और डी की वैल्यू सी में डालेंगे, इस तरीके से ये वैल्यू स्वैप हो जाएगी। तो इसी को ही हम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली करते हैं। हम पहले करते हैं मूव डी कॉमा एल, इससे होगा ये कि डी की वैल्यू एल में चली जाएगी। अभी हमारा एल का जो वैल्यू है वो डी में स्टोर हो चुका है। अब हम करेंगे मूव एल कॉमा सी, इससे ये होगा कि सी की वैल्यू हो जाएगी एल में चली जाएगी। अब सी की वैल्यू एल में जा चुकी है, एल की वैल्यू अभी डी में स्टोर्ड है, तो अब क्या करेंगे, डी की वैल्यू सी में डाल देंगे। तो हम लिखेंगे मूव सी कॉमा डी, इस तरीके से हमारा अब लोअर बिट जो था सी और एल की वैल्यू एक दूसरे में स्वैप हो चुकी है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, मूव बी सॉरी डी कॉमा बी, इससे होगा ये कि बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू अब की बार डी में जा चुकी है, हमको चाहिए एच की वैल्यू बी में और डी की वैल्यू एच में, इस तरीके से हमारा ये भी वैल्यू स्वैप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अब अनदर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे मूव, अब हमको चाहिए क्या कि एच की वैल्यू बी में चला जाए, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, बी, सोर्स क्या हो जाएगा, एच। अब यहाँ पर लिखेंगे अनदर इंस्ट्रक्शन मूव, अब हमको चाहिए एच में डी की वैल्यू। तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉब्लम ये था ये कि हमारा लोअर टू लोअर बिट और हायर टू हायर बिट एक दूसरे से स्वैप हो जाए, जो रजिस्टर पेयर BC और HL में है। इस तरीके से ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आखिरी में आप HLT हेल्ट लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, इसको हॉल्ट करने, प्रॉब्लम को हॉल्ट करने का इंस्ट्रक्शन है ये। ओके, और भी हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हम देखते हैं।
मान लीजिए आपके पास एक एक प्रॉब्लम है कि मेमोरी लोकेशन एक है हमारे पास जो C041 में एक डेटा है B1, और अनदर कोई मेमोरी लोकेशन है जिसका वैल्यू है B030। यहाँ पर है हमारे पास 7-1। इस तरीके से हमारे पास मान लीजिए एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम में ये बताया जा रहा है कि हमको ये डेटा यहाँ चाहिए और यहाँ की डेटा यहाँ चाहिए, मीन्स मेमोरी टू मेमोरी स्वैपिंग करना है हमको किसी डेटा को। अभी तक हम देख रहे थे रजिस्टर टू रजिस्टर मूव करने के लिए। अब हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमको यहाँ एक एड्रेस है जिसमें एक डेटा रखा हुआ है, वो अनदर किसी एड्रेस में रखे हुए डेटा के साथ स्वैप करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से प्रॉब्लम आया हुआ है। तो इसको अब की बार हमारे पास जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने एक रजिस्टर को एज अ बफर की तरह यूज़ किए थे, वैसे ही हम यहाँ मेमोरी में रखी हुई डेटा को एक बफर की तरह किसी रजिस्टर में रखेंगे, एंड अनदर मेमोरी टू मेमोरी हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होगा जिससे हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम उस इंस्ट्रक्शन को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। अभी हमारे पास एक मेमोरी है, उस मेमोरी में एक डेटा है। उस डेटा को सबसे पहले हम किसी एक रजिस्टर में हम उसको स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है मूव। सबसे पहले इस एड्रेस को HL पेयर में हम स्टोर करेंगे। मूव H,C0 मूव L,41। इसका मतलब अभी HL पेयर के अंदर ये डेटा आ चुका है। अब हम यहाँ पर मेमोरी टू रजिस्टर भेजने वाला इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। तो मूव एक रजिस्टर यूज़ कर लेते हैं हम लोग D,M। इससे होगा ये कि इस मेमोरी लोकेशन में जो C011 में जी C014 में जो B1 डेटा था अभी वो जा चुका है डी रजिस्टर में, और उसकी वैल्यू अभी हो चुकी है B1। यहाँ के इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है। अब ये हो चुका है, अब हम क्या करेंगे मूव। अब HL पेयर को हम अपडेट कर सकते हैं अनदर इंस्ट्रक्शन के थ्रू। हम यहाँ पर लिखेंगे मूव यहाँ पर H,B0। हम ये वाला मेमोरी को एक्सेस करेंगे। फिर मूव L,30। इस तरीके से हम अभी HL पेयर को अपडेट कर चुके हैं। अब इस डेटा को भी किसी मेमोरी में हम रजिस्टर में भेज देते हैं मूव। अब मान लीजिए हम E रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर M करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, B030 मेमोरी लोकेशन में डेटा पड़ा था 7-1, वो अभी जा चुका है ई रजिस्टर के अंदर और उसमें अब अपडेट हो चुका है 7-1। इस तरीके से अभी हमारे पास HL पेयर की में अभी रखा हुआ है HL पेयर में हमारे पास अभी वैल्यू है B030। अभी अभी हम यहाँ पर मेमोरी टू रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन में हम भेज सकते हैं। अब लिखेंगे हम लोग मूव कॉमा सॉरी कॉमा एम कॉमा। अब यहाँ पर हमारे पास ई रजिस्टर में जो डेटा रखा हुआ है हम सॉरी ई रजिस्टर डी रजिस्टर में जो रखा हुआ डेटा इस मेमोरी में हमको इसको भेजना है यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर D,D। इसका मतलब क्या हो गया, अब इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हम समझ सकते हैं कि B030 में हमारे पास अब वैल्यू अपडेट हो गई है B1 से। तो हमारे पास ये B1 आ चुका है। अब अगेन हम यहाँ पर मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए हम HL पेयर को अपडेट करेंगे H, इस मेमोरी लोकेशन को अब एक्सेस करेंगे C0 मूव L,41। तो इससे हो जाएगा हमारा अब की बार HL पेयर में आ चुका है हमारे पास क्या C041। ये एड्रेस को अभी डिनोट कर रहा है। अब हम एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे मूव। अभी हमको इस एड्रेस में कौन सा वैल्यू चाहिए 7-1। 7-1 अभी स्टोर्ड है हमारा ई में, तो हम लिखेंगे M,E। तो इस तरीके से हमारे पास अब इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हमारा हो जाएगा कि C041 में हम इस मेमोरी लोकेशन में हमारे पास अभी आ चुका है 7-1। तो हमारा यही प्रॉब्लम इसे ही सॉल्व था, हमारे सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास
इस पर्टिकुलर एड्रेस में और इस पर्टिकुलर एड्रेस में ये डेटा स्वैप हो चुका है, और इस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास लाइन बाय लाइन हम प्रॉब्लम को देखें और उसको किस किस इंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको फॉलो किया जा सकता है उसको चेक करें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम सारे के सारे इंस्ट्रक्शन 8 बिट वाले इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग 16 बिट के इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये सेम ऐसे ही प्रॉब्लम को 16 बिट इंस्ट्रक्शन के थ्रू कैसे इसको हम डेटा को लेना देना या स्वैप करना कैसे करते हैं। हम डायरेक्टली हम लोग इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ जबकि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रहे हैं, वहीं हम लोग 4 इंस्ट्रक्शन में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि 16 बिट से सेम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, थैंक यू।